नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में। मैं गुड़िया केसी एक बार फिर से तहे दिलों से आपका स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, जो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर में हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर में आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। आउटपुट डिवाइस में हमने क्या कहते हैं, मोनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, इन सब के बारे में बात कर ली। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम आउटपुट डिवाइस को बिल्कुल खत्म कर देंगे, यानी कल की जो क्लास रहेगी वो हम पढ़ेंगे मेमोरी, जो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। और हम इसके बाद इसी में हम पढ़ेंगे कि 1 GB में कितने MB होते हैं, 1 MB में कितने क्या क्या होते हैं, जो होते हैं बाइट वाले, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, नई चीज़ रहेगी, तो इसलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, कोई भी क्लास आपकी लंबी नहीं है, 15-20 मिनट की क्लास करती है, ठीक है। तो नई नई चीज़ों को सीखने का आपके अंदर क्या होना चाहिए, मतलब कि होता नहीं कुछ नया सीखने का जज्बा, तो वो आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, जब भी टाइम मिले तब देख लो क्लास को, एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार, ठीक है। चलो मिलते हैं, अब आगे चलते हैं क्लास में। तो आज की क्लास जो लगी है वो कंप्यूटर की है। कंप्यूटर में हम क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस में जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्पीकर, ठीक है। क्योंकि हमने मॉनिटर और प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले की जो क्लास है वो आप देख लेना, ठीक है। अगर क्लास कहाँ मिलेगी, आपको मेरे चैनल में जाना है, प्लेलिस्ट में जाओगे कंप्यूटर की क्लास में, वहाँ पे सारी क्लास है, क्लास नंबर 1, 2, 3, 4 करते हुए अब तक की पूरी अपडेट क्लास है, ठीक है गाइस। चलो, तो आपको पता है जब भी कोई क्लास स्टार्ट होती है तो क्या होता है, सबसे पहले चलती है पहेली। तो आज की पहेली देख लो क्या है, आज की पहेली देखो, आज की पहेली है एक छोटा सा फकीर, एक छोटा सा फकीर जिसके पेट में लकीर। क्लियर है, एक छोटा सा फकीर जिसके पेट में लकीर। क्लियर है, तो ये है आपका क्या, ये है आपका पहेली। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, टॉपिक क्या है, स्पीकर। अच्छा, स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर कौन सा डिवाइस है, तो ये हार्डवेयर का आउटपुट डिवाइस है। भाई आउटपुट ही तो होता है, आप क्या करते हो अपने लैपटॉप में गाना चला देते हो, है ना, गाना चल रहा है, हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, या कोई मूवी चला दिए हो वो क्या बोल रहे हैं, क्या पक 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 जो अंदर बातचीत चल रही है उनकी, वो क्या बातें कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलता है, तो वो हमें पता चलता है स्पीकर के थ्रू, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो भी क्या होता है, बातचीत होती है, ठीक है, वो हमें किसके द्वारा मिलती है, यानी कंप्यूटर के अंदर चलाया गया गाना या वीडियो, ठीक है, वह बाहर निकलती है किसके द्वारा, तो वो निकलती है आपके स्पीकर के द्वारा। क्लियर है, आपका स्पीकर क्या है, तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले लिखो आउटपुट डिवाइस, कौन सा डिवाइस है ये, तो ये आपका जो स्पीकर है ये आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते हैं, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए यूज करते हैं। तो क्या केवल कंप्यूटर से ही कनेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर से नहीं, हम अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। आजकल क्या है कि हाँ, अपने मोबाइल में, अब अगर मान लो मोबाइल में आपके साउंड कार्ड ही न लगा हो, तो क्या आप दूसरा इंसान जिसे आप बात कर रहे हो वो जो बोल रहा है कि आपको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। तो हम जो आवाज़ सुनने का काम करता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है स्पीकर के द्वारा, ठीक है, जो आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है ये, आउटपुट डिवाइस है। पहले के ज़माने में चलता था लाउड स्पीकर, आपने देखा भी होगा, पहले जब चलता था तो इस तरीके से भोपू सा निकला होता था, ऐसे करके होता था, ठीक है, जिसमें जैसे स्कूल वगैरह में 15 अगस्त से 26 जनवरी पे हम लोग के टीचर्स वगैरह क्या करते थे, भोपू लगा दिया करते थे, यहाँ पे गाना चला दिया करते थे, उसका गाना दूर तक सुनाई देता था, है ना, लाउड स्पीकर कहते थे इसे। तो ये भी आपका जो है स्पीकर जो है, चाहे वो किसी तरीके का स्पीकर हो, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे वो छोटा सा स्पीकर हो, वो आपका किस में आएगा, आउटपुट डिवाइस में आएगा। तो सबसे पहले बता दूँ, इसे जिसने बनाया था सबसे पहले, तो इसे बनाया था IBM कंपनी वालों ने, ठीक है। स्पीकर जिस सबसे पहले किसने बनाया था, तो इसे बनाया था, इसे इन्वेंट किया था किसने, IBM की कंपनी वालों ने, ठीक है।
यही है आपका, ठीक है। लेकिन लाउड स्पीकर की उस समय जब ये बनाया था तो उस समय इसकी क्वालिटी कैसी थी? अच्छी नहीं थी, ठीक है। लाउड सबसे पहले जो बन के आया ना वो आपका लाउड स्पीकर बन के आया, ठीक है। उसके बाद उसे चेंजिंग, इतने बड़े लाउड स्पीकर को और छोटा किया गया, ठीक है। फिर वूफर में चेंज किया गया, फिर और छोटा किया गया। अब तो इतना छोटा है कि इतना छोटा सा मोबाइल भी रहेगा ना, उसमें छोटा सा आपका स्पीकर लगा होता है ना, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम जो भी फ़ोन पे बातें करते हैं वो हम सुनते हैं, या कोई भी अपने मोबाइल में वीडियो चलाते हैं वो सब हम क्या सुन पाते हैं। साउंड कार्ड क्या होता है आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। तो ये साउंड कार्ड जो होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करता है किसमें, वॉइस में। ऑडियो को जो एडिट करने का काम करता है वो करता है साउंड कार्ड, ठीक है। जो भी ऑडियो होती है, आवाज़ होती है, उसे एडिट करने का काम करता है आपका कौन, साउंड कार्ड, ठीक है। आवाज़ में चेंजिंग करना, आवाज़ को मोटा करना, पतला करना, भारी करना, रोबोट वाली आवाज़ है, ठीक है। तो ये सब किस में चेंज होता है आपके, साउंड कार्ड में। ऑडियो में चेंज कर साउंड कार्ड के थ्रू स्पीकर का क्या करता है, यह आपके स्पीकर का पार्ट होता है। आवाज़ को जो कंट्रोल करता है कौन करता है, तब का साउंड कार्ड होता है, ठीक है। तो इतना ही जान लो स्पीकर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। सबसे पहले इसे IBM की कंपनी ने बनाया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आपका एक आता हेडफोन, जो आपको पता ही है ना। हाँ, इसी में एक पढ़ लेते हैं, और भी है जो इसी का पार्ट है। एक होता है HEAD, हेडफोन, देखा ही होगा। हेडफोन की कब यूज करते हैं, हेडफोन का यूज हम करते हैं जैसे मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी से बात कर रहे हैं और हम चाहे गाना सुन रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं, हम चाहते हैं जो भी काम हम कर रहे हैं वो मेरे तक ही सीमित हो, अगला इंसान तक ना पहुंचे। तो क्या होता है, हेडफोन होता है, हम अपना हेडफोन लेते हैं, कान में लगा लेते हैं और उसका जो कनेक्टर होता है मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं और मूवी को चला देते हैं। तो मूवी में जो होता रहता है उसकी जो साउंड होती है वो केवल हमारे कान तक पहुँचती है, या फिर जहाँ जहाँ वो साउंड जाएगा, जहाँ जहाँ हेडफोन जाएगा वहीं तक वो साउंड क्या होती है, लिमिट होती है, ठीक है। हेडफोन में क्या लगा होता है, तो आजकल आप देख रहे हो आजकल के हेडफोन में माइक आने लगा है। क्या आने लगा है, माइक आने लगा है, जिसे माइक्रोफोन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या माइक्रोफोन आने लगा है, तो क्या इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस बन गया, तो हाँ ये आपका इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस बन गया, क्योंकि आप इस माइक में क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। माइक में आप बोल सकते हो और हेडफोन में क्या कर सकते हो, आप सुन सकते हो, ठीक है। साउंड कार्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें भी आपके हेडफोन में भी साउंड कार्ड लगा होता है। क्या लगा होता है, साउंड कार्ड लगा होता है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का इस्तेमाल करता है, क्लियर है। तो आपका अगर हेडफोन की बात की जाए तो हेडफोन आपका आउटपुट डिवाइस है, अगर उसमें माइक लगा है, ठीक है, अगर उसमें माइक लगा है तो वह आपका इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होगा। क्या होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के अंतर्गत ये आएगा, क्लियर है। आई होप क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसमें भी क्या लगा होता है, तो मैं इसे लिखा देती हूँ, है ना। सबसे पहले आप लिख लो हेडफोन में, हेडफोन कौन सा डिवाइस है, तो आपका आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सा डिवाइस है भैया, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या इसमें क्या यूज होता है, तो हेडफोन में भी आपका यूज टू किसका होता है, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड इसमें भी किसका यूज होता है, साउंड कार्ड का। साउंड कार्ड का काम क्या होता है, तो ऑडियो को जो एडिट करने का काम होता है वो साउंड कार्ड का होता है। अच्छा, आवाज़ को भी हम एडिट कर सकते हैं, आप यही सोच रहे होंगे, है ना, कि क्या हम आवाज़ को भी एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आवाज़ एडिट का मतलब यहाँ पे है जैसे बेस को बढ़ाना, कम करना, आवाज़ को मोटा करना, पतला करना, रोबोट जैसा करना, वॉइस के अंदर जो चेंजिंग का काम किसके द्वारा होगा, तो वो आपका होगा साउंड कार्ड के द्वारा, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करता है वॉइस सिग्नल में, चेंज करता है ये साउंड कार्ड चेंज इलेक्ट्रिक सिग्नल इनटू वॉइस सिग्नल, ठीक है। साउंड कार्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को चेंज करता है, किसमें चेंज करता है, तो आपका वॉइस सिग्नल में चेंज करता है, क्लियर है। आई होप
समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? तो ये सब आपका आउटपुट डिवाइस है। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना? तो आपका ये क्या है? तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस यहीं पे ख़त्म होता है। कल की क्लास जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेमोरी, यानी हम जो पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे कंप्यूटर की जो जान है ना, मेमोरी। क्या होता है मेमोरी, किसे कहते हैं, मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, हम जब मोबाइल खरीद के लाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ है जो आपके मेमोरी के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपको पता ही है मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। कैसे पहचानोगे आप कि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी? कैसे पहचानोगे आप कि ये रैम है ये रोम है? ठीक है, रैम रोम में क्या अंतर है? ठीक है, क्या कौन सा मोबाइल अच्छा होता है कौन सा नहीं होता है? तो हम एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कल की क्लास में। मेमोरी के बारे में अच्छी खासी हमारी क्या होगी, डिस्कस होगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। तो यहीं तक पर आपका आज आउटपुट डिवाइस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है, आज क्या हुआ है? तो आज आपका आउटपुट डिवाइस पूरा ख़त्म हो गया है। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो आपका मेमोरी नाम का टॉपिक होगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम चलेंगे पहेली की तरफ। पहेली क्या है? तो पहेली थी आपकी एक छोटा सा फकीर। ठीक है, एक छोटा सा फकीर जिसके पेट में क्या है, लकीर। एक छोटा सा फकीर है जिसके पेट में क्या है, लकीर है। पहेली का आंसर देखो, तो पहेली का जो आंसर है वो है गेहूं। अगर किसी गांव के बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बाबू इतना काम करना कि इस क्लास को अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव को बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि अब मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ भारत का हर एक बच्चा, ठीक है भाई, जिनकी मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, या जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, जो ट्रिपल सी कर रहे हैं, जो DCA कर रहे हैं, ADCA कर रहे हैं, जो ओ लेवल कर रहे हैं, या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल NCERT बेस्ड है, यानी NCERT बेस्ड का मतलब ये है कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से बहुत कुछ कवर कर लोगे। ठीक है, आप इस क्लास को करने के बाद, मेरी क्लास मतलब जितनी क्लास है वो सभी पढ़ने के बाद भी पेपर दोगे ना, तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे। क्यों फंसेंगे? क्योंकि NCERT बेस्ड है ये सारे के सारे जो मैं पढ़ा रही हूँ आप। ठीक है, सब NCERT बेस्ड है और क्वेश्चन सबसे अधिक NCERT से पूछता है, यानी इससे हट के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो, अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।